हमारे YouTube चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। TGT PGT शिक्षक भर्ती से संबंधित जो दो रिपोर्ट न मिलने पर अटका चयनितों का समायोजन, शिथिलता से नहीं मिले नए विद्यालय और पूर्व आवंटित विद्यालय में नियुक्ति न मिलने पर दिया है प्रत्यावेदन। तो भर्तियों को शिथिलता से नहीं मिले हैं विद्यालय जो आवंटित हुआ था पहले, और जो नियुक्ति नहीं मिलने पर इन्होंने फिर से प्रत्यावेदन दिया था। गजब दुर्भाग्य है, वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक TGT व प्रवक्ता समक्ष PGT भर्ती में चयनित 300 से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों में गड़बड़ी के चलते विद्यालय पहले आवंटन विद्यालय में नियुक्ति नहीं पा सके और समायोजन के लिए प्रत्यावेदन पर सुनवाई न होने से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और इसके बाद चयन बोर्ड ने 9 चयनितों का समायोजन तो किया, लेकिन 20 से ज़्यादा चयनित शिक्षकों की बदकिस्मती ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। जिला विद्यालय निरीक्षकों ने रिपोर्ट न आने से चयन बोर्ड ने उसका समायोजन रोक दिया है। तो जिला विद्यालय निरीक्षक से उनकी रिपोर्ट इन 20 अभ्यर्थियों की नहीं आई है, इसी कारण इनका समायोजन जो है वह रोक दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यह भर्ती परीक्षा कराई और चयन परिणाम जारी करने के साथ ही चयनितों को विद्यालय आवंटित कर जिले में पैनल भेज दिया गया। नियुक्ति पाने के लिए चयनित शिक्षक विद्यालय में पहुंचे तो कुछ ही देर में पद रिक्त न होने पर कुछ विद्यालय दूसरे संवर्ग का होने के कारण 300 से ज़्यादा शिक्षक निराश हो गए और इन शिक्षकों ने दूसरा विद्यालय आवंटित किए जाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड में प्रत्यावेदन दिया था। ऐसे में चयन बोर्ड ने 289 चयनितों का समायोजन जिला विद्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पिछले दिनों कर दिया। इसमें रिपोर्ट के मुताबिक 23 चयनितों का समायोजन उसी जनपद के दूसरे विद्यालय में किया गया है। चयन बोर्ड के सचिव नौलकुशोर ने बताया कि 20 से ज़्यादा चयनितों के प्रत्यावेदन अभी समायोजन के लिए लंबित है। तो जो 20 से ज़्यादा चयनित हैं उनके प्रत्यावेदन अभी भी लंबित है। उनके संबंध में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों ने रिपोर्ट नहीं दी। उस जनपद में दूसरे विद्यालय में पद रिक्त होने की रिपोर्ट आने पर वहाँ समायोजन कर दिया जाएगा। इसके अलावा उस जिले में पद रिक्त न होने की जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट पर नए अध्याचन में मिले दूसरे जिले के रिक्त पदों पर समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो इस तरह बताया जा रहा है कि उस जिले में पद रिक्त नहीं होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट मिलने पर नए अध्याचन में जो दूसरे जिले के रिक्त पद पर उनका समायोजन प्रक्रिया पूरा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अभी भी चयनित अभ्यर्थी 20 से ज़्यादा हैं जिनका समायोजन अभी नहीं हुआ है। अगला लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पद के साक्षात्कार 9 से। लंबी प्रतीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और 2003 कुल पदों पर के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए 7500 के लगभग अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके साथ ही आयोग ने साक्षात्कार का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। प्रथम चरण में हिंदी व संगीत गायन के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और हिंदी के 162 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनका साक्षात्कार 9 से 16 मार्च तक चलेगा। वहीं संगीत गायन के 12 पद के लिए 42 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इनका जो साक्षात्कार है वह 16 मार्च को लिया जाएगा और अन्य विषयों के लिए साक्षात्कार की तिथि बाद में जारी कर दी जाएगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की भर्ती निकाली और इसकी लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर 13 और 28 नवंबर 2021 को कराई गई। लिखित परीक्षा का परिणाम दिसंबर में जारी होना था, लेकिन उचित तैयारी न होने से इसमें विलंब हो गया और आयोग के सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि वेबसाइट पर परिणाम अपलोड कर दिया गया है और अब इसमें साक्षात्कार की तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। अगला न्यूज 2021 प्रवक्ता हिंदी से संबंधित है कि अभी तक विद्यालय आवंटन और संशोधित पैनल जारी नहीं किया गया है। उसी के संबंध में विकी खान ने जारी किया है कि विज्ञापन वर्ष 2021 प्रवक्ता हिंदी के समस्त चयनित भाइयों और बहनों को सूचित करना चाहूँगा कि प्रतियोगी मोर्चा का पूरा प्रयास है कि 18 तारीख को शाम तक प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय
आवंटन एवं संशोधित पैनल जारी हो सके तथा चयन बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी किया गया स्थगन आदेश निरस्त हो सके, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और यह विषय मेरे स्वयं का है, स्वयं की प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए और निश्चिंत रहिए, मुझे जितना प्रयास करना है अपने तरीके से मैं पूरा प्रयास कर चुका हूँ और मुझे आशा है कि मेरी बात को गंभीरतापूर्वक समझते हुए चयन बोर्ड को 18 तारीख की रात तक विद्यालय आवंटन एवं संशोधित पैनल जारी कर देना चाहिए। तो आज के दिन रात में देखिए इसका संशोधित पैनल जारी हो जाना चाहिए इनके अनुसार, वरना 19 तारीख को 11 बजे से मैं स्वयं अनशन पर बैठूंगा। अगर जारी नहीं होता है आज के डेट में तो यह 19 तारीख से 11 बजे से लगातार अनशन की शुरुआत करेंगे। अनशन जो है अनवरत चलेगा और जब तक प्रवक्ता हिंदी का संशोधित पैनल और विद्यालय आवंटन जारी नहीं किया जाता है। इस अगला मैं CTET के रिजल्ट से संबंधित है कि जो भी अभ्यर्थी CTET के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए आज एक नोटिस जारी की गई है कि 21 फरवरी तक होगा रिजल्ट की घोषणा। तो आइए देखिए यहाँ पे CBSE द्वारा CTET आयोजित CTET के परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वे लोग रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बता दें कि CBSE ने अपने आधिकारिक सूचना में 15 फरवरी को रिजल्ट की संभावित तिथि की निर्धारित की थी और ऐसे में उस दिन अभ्यर्थी लगातार वेबसाइट चेक करते थे लेकिन रिजल्ट नहीं जारी हुआ। अब CBSE ऑफिस में संपर्क किया तो बताया गया कि इस बार विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने की वजह से प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में गड़बड़ी तथा आधिकारिक कुंजी में त्रुटि हो चुकी थी, जिसे एक्सपर्ट के द्वारा सही कराया जा रहा है और साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रश्नों की आपत्ति को जांचा जा रहा है। CBSE ऑफिस में रिजल्ट के बारे में पूछने पर बताया गया कि 21 फरवरी तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है और परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार CBSE CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकेंगे। तो इस तरह से 21 फरवरी की डेट निर्धारित की गई है, CBSE अपना CTET के परिणाम की घोषणा कर देगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए।